हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीपीओ 2018 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे भी देख सकते हैं, इसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये हमारा सीपीओ 2018 का जो ज्योग्राफी था उसमें दो पार्ट है, एक फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें अप्रॉक्स हमारे 22 क्वेश्चंस थे, और जो हमारा इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है जो लोकेशन बेस्ड बोल सकते हो उसमें 16 क्वेश्चंस थे। तो यानी कि टोटल जो 40 क्वेश्चंस है आप मान सकते हो 40 क्वेश्चंस, जो टोटल 10 पेपर हुआ था। 10 पेपर यानी कि हर एक पेपर में 4 क्वेश्चंस जो था वो ज्योग्राफी का था, यानी कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस थे वो ज्योग्राफी के थे। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ये ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं है। जो आपने देखा है जैसे कि लुसेंट बुक या जो भी सिंपल सा बुक होता है उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर ऑन द रिवर ब्यास इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज। तो जो महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर है उसे हम लोग पोंग रिजर्वायर या फिर पोंग डैम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, पोंग डैम यानी कि महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करता है 8 इंडियन स्टेट्स से उसमें कौन कौन है, उसमें है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और झारखंड। और इसमें जो असम है वो नहीं पास करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2017, द स्टेट ऑफ डैश हैज द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो लार्जेस्ट एरिया कवर्ड है उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, वो आता है मध्य प्रदेश जो सबसे लार्जेस्ट मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है, उसके बाद नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, देन आफ्टर छत्तीसगढ़। तो फर्स्ट कौन है, वो है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज डैश ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग ऑफ ISFR 2017। तो ये जो ISFR 2017 है इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आने वाले एग्जाम में। तो इस पे भी जो क्वेश्चंस आएगा उसे हम लोग देखते हैं। अभी एक दो क्वेश्चंस और है जो आगे देखना है हम लोगों को, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और होगा जो आप लोगों को पढ़ लेना है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24.39। जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया है हमारे कंट्री में अकॉर्डिंग टू ISFR वो कितना है, 24.39। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डैश टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका इज होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एशियन एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड। तो कर्नाटका में जो टाइगर रिजर्व है उसमें जो एशियन एलिफेंट्स है वो भी लार्जेस्ट नंबर है। तो वो टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कौन सा है? तो नागरहोली जो टाइगर रिजर्व है, जो नेशनल पार्क है जिसे हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, इसे ये राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एशियन एलिफेंट्स पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस इज। तो ये है ऑप्शन नंबर 2, 21.05%। जो टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया में वो है 21.05%। तो इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखा था उसमें क्या था, उसमें था टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस जो ट्री है, जो पेड़ पौधा है, जो ट्री कवर है वो था 24.39%। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है ओनली फॉरेस्ट कवर पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा आंसर 21.05%, और जब इसमें ट्री ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 24.39%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द डैश चैनल सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो कौन सा चैनल है जो अंडमान और निकोबार ग्रुप आइलैंड को सेपरेट करता है? तो वो है 10 डिग्री। 10 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो 10 डिग्री है वो चैनल सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को, वो जगह कौन सा है, वो कौन सा स्थल है, वो प्लेस कौन सा है? तो वो प्लेस है बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी है उसमें 10 डिग्री है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। गिर नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स। तो गिर नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो एशियाटिक लायंस के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम लोग शासन गिर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विच इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। तो बाय लैंड एरिया जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जो नंबर 1 पे है वो रसिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। तो सायोग और जंस्कर रिवर, ये जंस्कर नहीं, जंस्कर रिवर है, और तीसरा नुब्रा, ये तीनों जो है इंडस रिवर का ट्राइब्यूटरी है, जबकि लोहित रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्राइब्यूटरी है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ट्राइब्यूटरी रिवर, तो इंडस का ये तीनों है और ब्रह्मपुत्र रिवर का लोहित रिवर है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, नेम द लॉन्ग हेयर्ड मम्मल्स फाउंड थ्रू आउट द हिमालयन रीजन। हिमालय क्षेत्र में जो लंबे बाल वाले जो स्तनधारी पाए जाते हैं वो उनका नाम क्या है, तो वो याक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर याक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मेगापार्टा नोबिनेगेलिया इज कॉमनली नोन एज। तो मेगापार्टा नोबिनेगेलिया जो होता है उसे किसको बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम्प बैग व्हेल। जो व्हेल मछली होता है उसका ये दूसरा नाम है, कॉमनली नोन है ये, जिसे हम लोग आमतौर पर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ नुमालीगढ़ रिफाइनरी इन्वॉल्व्स सेटिंग अप ए क्रूड ऑयल पाइपलाइन फ्रॉम डैश टू नुमालीगढ़। तो नुमालीगढ़ आपको पता है ये असम में है, और जहां से ये क्रूड ऑयल लाया जाता है वो स्थल है पारादीप जो उड़ीसा में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो क्रूड ऑयल लाया जाता है वो पाइपलाइन पारादीप टू नुमालीगढ़ है, और जो प्रोडक्ट बनता है नुमालीगढ़ में, जो तेल बनता है क्रूड ऑयल से, जो भी प्रोडक्ट इसके अलावा बनता है, वो प्रोडक्ट जो पाइपलाइन है वो नुमालीगढ़ से सिल्लीगुड़ी है। इसका टोटल कॉस्ट 2200 करोड़ है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो नुमालीगढ़ से सिल्लीगुड़ी, ये भी पूछा जाता है, या फिर पारादीप टू नुमालीगढ़ जो यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इन अगस्त 2018 इंडिया रिजेक्टेड पाकिस्तान्स ऑब्जेक्शंस ऑन इट्स टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पाकल दूल एंड लोअर कलनाई ऑन द डैश रिवर। तो पाकिस्तान ने जो ऑब्जेक्शन किया है, जो दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया में, एक है पाकल दूल डैम और दूसरा है लोअर कलनाई प्रोजेक्ट, तो वो किस रिवर पे बन रहा है, तो वो बन रहा है चेनाब रिवर पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डैश लॉन्च द सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कैट फॉर्म प्रोजेक्ट। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है विप्लव कुमार देव। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि स्कैट फॉर्म जो प्रोजेक्ट है, स्कैट फॉर्म प्रोजेक्ट जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए है, वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, तो वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, वो त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो लॉन्च किया गया है उस किसकी सहायता से लॉन्च किया गया है, तो ये किसके सहायता से लॉन्च किया गया है, ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एन इंडियन टीम ऑफ साइंटिस्ट लेड बाय डैश ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। तो आपको पता होना चाहिए फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे है, ये अहमदाबाद में है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये कहाँ पे है, ये अहमदाबाद में है। हैव डिस्कवर्ड ए सब सैटर्न और सुपर नेपच्यून साइज प्लानेट। जिसने सुपर नेपच्यून साइज प्लानेट डिस्कवर किया है, किसके इर्द गिर्द वो घूम रहा था, वो सनलाइक स्टार, सन की तरह कोई स्टार है, उसके चारों तरफ ये सुपर नेपच्यून साइज प्लानेट घूम रहा था। तो ये डिस्कवर कौन किया है, वो डिस्कवर किया है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, वो थे प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये जो प्लैनेट का डिस्कवर किया गया है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, इस प्लैनेट का डिस्कवर किया गया है, इसका नाम ये है एपिक 211945201B और K2236B, ये भी इसका नाम है, तो ये भी याद कर लो, ये भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following states union territories doesn't have more than 75% forest cover as of forest report 2017? तो जो 7 स्टेट हैं जिसमें यूनियन टेरिटरीज भी है, जिसके पास मोर देन 75% फॉरेस्ट कवर है, वो कौन कौन सा है, वो है मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। ये याद कर लो, ये एग्जाम आ सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है टॉप 5 स्टेट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। तो सबसे पहला नंबर पे मध्य प्रदेश आता है जो हम लोगों ने देखा था, सेकेंड पे अरुणाचल, तीसरा पे छत्तीसगढ़। या फिर ये पूछा जा सकता है कि टॉप स्टेट जो फॉरेस्ट कवर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब एक स्टेट में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो नंबर 1 पे कौन है, तो लक्षद्वीप, जहाँ पे 90.33% जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है। नंबर 2 पे मिजोरम और नंबर 3 पे अंडमान आता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे 75% से ज्यादा एरिया है उसमें असम नहीं आता है, बाकी ये तीनों आते हैं। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी इज एट। तो जो दिगबोई है असम में, वो सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कैलासा टेम्पल इन द डैश केव्स इज द लार्जेस्ट रॉक कट मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, लेकिन ये यहाँ पे भटक रहा है, खैर। और इसका जो आंसर होगा वो होगा एलोरा केव्स, जो लार्जेस्ट रॉक कट मॉन्यूमेंट है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन। तो जो टिस्को इनकॉर्पोरेट किया गया था, टिस्को स्थापित हुआ था, वो 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और दुराबजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी 26 अगस्त 1907 को।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। डैश इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर्स। तो रुद्रप्रयाग जो है वो किसके संगम पर स्थित है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विच इज द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस। तो रिवर इंडस की सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी कौन सी है? तो ये सतलज रिवर है, ये भी एग्जाम में आता है, इसे भी याद कर लो। सतलज रिवर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है ट्राइब्यूटरी रिवर है रिवर इंडस की, यानी कि जो पांच रिवर है उसमें सबसे जो लंबी रिवर है वो सतलज रिवर है। तो ये था हमारा फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चंस। तो ये है हमारा इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चंस, और नंबर वन क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट शेयर अ बॉर्डर विथ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता है? वो है मणिपुर। आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सबसे जो वेस्ट बंगाल है, जो सबसे लंबा उसका सीमा है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ, उसके अलावा असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय है, तो मणिपुर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दादर एंड नागर हवेली इज अ यूनियन टेरिटरी लोकेटेड बिटवीन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड डैश। तो जो दादर नागर हवेली है वो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है? वो केरला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पे है? ये थेगदी जो एरिया है वहाँ पे स्थित है पेरियार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? यह इडुक्की, कोट्टयम और पथनमथिट्टा में है, जो केरला में है। तो यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस एरिया में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन है? वो है हमारा लक्षद्वीप, जो मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर का है। 32 स्क्वायर किलोमीटर का ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वेयर इज द दाजीगाम सेंचुरी लोकेटेड। दाजीगाम अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, और ये 22 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। डैश लोकेटेड इन थेगदी केरला इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेचर्स बाउंटी विथ ग्रेट सीनिक ब्यूटी एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि थेगदी में कौन सा सेंचुरी है, वो है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पेरियार नेशनल पार्क। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पेरियार कहाँ पे है? वो केरला में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। गारो हिल्स लाइन। तो गारो हिल्स कहाँ पे? वो मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और मेघालय में जो है सबसे ज्यादा गारो पीपल वहीं पाए जाते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है। और गारो हिल्स जो है वो गारो खासी रेंज का एक पार्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो मानस टाइगर रिजर्व जो है वो आसाम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ डैश आइलैंड्स। तो ये कितने ग्रुप आइलैंड से मिलके बना है अंडमान निकोबार? ये 572 आइलैंड से मिलके बना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। वेयर इज द डंकन पास लोकेटेड। तो डंकन पास है वो कहाँ पे स्थित है? वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कहाँ पे है? वो उलर लेक जो है सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंडियाज नेवर्स। तो इंडियाज का जो नेवर है वो कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इंडियाज फर्स्ट 3D प्लेटेनियम इज लोकेटेड इन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिया फर्स्ट 3D तारामंडल कहाँ पर स्थित है? वो मैंगलोर में स्थित है, और ये मार्च 1 2018 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है 1 मार्च 2018। 3D तारामंडल का नाम क्या है? ये है स्वामी विवेकानंद 3D प्लेटेनियम, जो मंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रॉसिंग पॉइंट अलोंग द इंडो पाक बॉर्डर। निम्नलिखित में से कौन भारत पाक सीमा के साथ एक क्रॉसिंग पॉइंट नहीं है? तो ये है इसका आंसर सीकर। जो क्रॉसिंग पॉइंट है इंडो पाक बॉर्डर के साथ वो 5 है, ये देख लो, ये एग्जाम में अगर आएगा तो इसमें से ही आएगा। एक अटारी, दूसरा गंदा सिंह वाला, तीसरा हुसैनी वाला, मुनाबाओ और वाघा बॉर्डर। इसके अलावा 5 है, तो इस 5 में आप देख सकते हो सीकर नहीं है, सीकर जयपुर में है। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द डैश इन केरला हैज इट्स ऑन एलिफेंट सेंचुरी। तो इस पूछ रहा है कौन से टेंपल में, कौन से मंदिर में एलिफेंट सेंचुरी भी है? तो ये है गुरुवायूर टेंपल। जो गुरुवायूर टेंपल है वहाँ पे एशियन एलिफेंट्स है जो ज़्यादातर मिलते हैं वहाँ पे, पॉपुलेशन उनका। तो वो आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुरुवायूर टेंपल।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। द डैश वाटर फॉल्स इन छत्तीसगढ़ आर ऑल्सो नोन एज नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। तो नियाग्रा फॉल्स जो यूएसए में है उसकी तरह उसकी तर्ज पे या उसकी तरह जो वाटर फॉल्स है इंडिया में जो छत्तीसगढ़ में है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चित्रकूट, ऑप्शन नंबर 4। चित्रकूट वाटर फॉल्स जो छत्तीसगढ़ में है और ये कहाँ पे है? ये जगदलपुर यानी कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में चित्रकूट वाटर फॉल है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था हमारा आज का ज्योग्राफी का क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने इंडिया एंड वर्ल्ड और फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन को देखा। टोटल हम लोग 22+16 क्वेश्चन को कवर किया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक बच जाता है वो स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स देखना है, जिसमें अप्रोक्स हमारे पास 50-55 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था CPO के एग्जाम में। तो वो भी देखेंगे कि हो सकता है वो भी इंपॉर्टेंट है आने वाले CGL के एग्जाम के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्पोर्ट्स के साथ।